हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम SJVNL JEE पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 आ चुका है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट करते हैं। 51 कह रहा है, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ 14 mm नॉमिनल डायमीटर रिवेट इज, ऑप्शन ए 15 mm, ऑप्शन बी 15.5 mm, ऑप्शन डी 16 mm और ऑप्शन डी 16.5। ओके, तो हम जानते हैं अगर हमारा नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट अगर 25 mm से कम होता है तो हम 1.5 ऐड करते हैं, और अगर नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट 25 mm से ज़्यादा होता है तो हम 2 mm ऐड करते हैं टू मेक इट अ ग्रॉस डायमीटर। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 + 1.5, दैट इज़ 15.5 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। द मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर अ प्लेट ऑफ द स्क्वायर एजेस, ए 1.5 mm लेस देन द थिकनेस ऑफ प्लेट, बी 1.5 mm मोर देन द थिकनेस ऑफ प्लेट, सी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट, और डी इज 0.5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ प्लेट। सो अगर हमारा जो फिलेट वेल्ड हम यूज़ करने जा रहे हैं, अगर वो स्क्वायर प्लेट के थ्रू हमें ज्वाइन करना है, तो उसके लिए 1.5 mm हम लेस रखेंगे जो भी हमारी थिकनेस ऑफ प्लेट होगी। मैक्सिमम साइज़ हमारा जो फिलेट वेल्ड का होगा वो 1.5 mm लेस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए दैट इज़ 1.5 mm लेस देन द थिकनेस ऑफ प्लेट। 53। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड, ए 100, बी 120, सी 145 और डी 180। ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो 53 का सी होगा 145। लेसिंग के लिए 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्लेंडरनेस रेशियो। 54th, the member of the roof trusses that support the purlin are known as A, principal rafter, B, principal tie, C, main strut, D, main tie. तो principal rafter जो होते हैं हमारे यूज़ होते हैं किसके लिए, सपोर्ट करने के लिए purlins को। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। देन 55, what is the yield strength of grade M 8.8 bolt? M 8.8 bolt के लिए यील्ड स्ट्रेंथ होती है 800 newton per mm square, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन इज सी। 56, क्वाइट इजी, यूनिट ऑफ वर्क इन SI इज ए न्यूटन, बी पास्कल, सी केजी मीटर और डी जूल। तो वर्क की SI यूनिट होती है जूल। ओके, 57, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल बी लीस्ट इन टॉर्शन, वुड बी बेस्ट इन टॉर्शन। ओके, तो ए सॉलिड सर्कुलर, बी हॉलो सर्कुलर, सी ट्रायंगुलर और डी रेक्टेंगुलर। तो टॉर्शन के लिए बेस्ट सेक्शन हमारे पास कौन सा होगा, हॉलो सर्कुलर सेक्शन वुड बी द बेस्ट। ओके, 58, मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड एज बीम इज, ए एंगल सेक्शन, बी एच सेक्शन, सी आई सेक्शन और डी सर्कुलर सेक्शन। तो बीम के लिए सब मोस्ट इकोनॉमिकल होगा सी आई सेक्शन। 59th, द सेक्शन इन विच स्टील इज नॉट फुली स्ट्रेस टू परमिसेबल वैल्यू, व्हेन स्ट्रेस इन कंक्रीट रीच्स द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड, ए अंडर रिइंफोर्स्ड, बी ओवर रिइंफोर्स्ड, सी बैलेंस सेक्शन और डी क्रिटिकल सेक्शन। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी स्टील है वो अभी मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू तक नहीं पहुंचा है, जबकि कंक्रीट अपनी मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू तक पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है, ब्रिटल फेलियर होगा। ब्रिटल फेलियर हमारा किस सेक्शन में होता है, ऑब्वियसली ओवर रिइंफोर्स सेक्शन, मीन्स हमारी जो रिइंफोर्समेंट है वो ज़्यादा है जितनी हमें रिक्वायर्ड थी। अगर रिक्वायर्ड रिइंफोर्समेंट से ज़्यादा रिइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर दी है तो उसका मतलब वो अपनी परमिसेबल वैल्यू पर पहुंच ही नहीं पाएगी। उससे पहले ही हमारा जो कंक्रीट है, क्योंकि कंक्रीट क्या है, कम है, तो कंक्रीट क्या करेगा, फेल कर जाएगा। ओके, 60th, द मैक्सिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट एन RCC बीम कैन हैव इज, ए 6%, बी डी 4% ऑफ ग्रॉस, 2% ऑफ ग्रॉस एरिया और डी 0.2% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो मैक्सिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट बीम के लिए हम लेते हैं 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। ओके, 61, द मिनिमम परसेंट ऑफ स्टील इन RCC
स्लैब यूजिंग माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट इज, तो अब देखो इसमें क्या पूछा है, माइल्ड स्टील के लिए पूछा है, ठीक है। माइल्ड स्टील के लिए लेते हैं 0.15, बट अगर यहाँ पे HYSD बार होता तो 0.12, और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, लाइक अगर क्वेश्चन होता द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन RCC स्लैब, अगर सिर्फ इतना ही होता क्वेश्चन, तो हम लगाते हैं 0.12%, ओके, क्योंकि मिनिमम क्या है 0.12%, बट यहाँ पे क्या पूछा है, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए हम लेते हैं 0.15%। देन 62, द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन अ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन ए 8 mm, बी 10 mm, सी 12 mm, डी 16 mm। तो कॉलम के लिए 12 mm से मिनिमम 12 mm बार हम यूज़ कर सकते हैं, इससे नीचे नहीं जाएंगे। 63, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन फॉर HYSD बार द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस शेल बी ए डिक्रीज बाय 30%, बी इंक्रीज बाय 30%, सी डिक्रीज बाय 60%, और डी इज इंक्रीज बाय 60%। अगर हम HYSD बार यूज़ करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है इंक्रीज हो जाती है 60% से, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। ओके 64th, अ शॉर्ट कॉलम ऑफ 20 बाय 20 सेंटीमीटर सेक्शन इज रिन्फोर्स विद 4 बार्स ऑफ स्टील हैविंग टोटल एरिया ऑफ स्टील 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ परमिसेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट इज 1340 kg per cm², द मैक्सिमम सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी शुड नॉट एक्सीड ए 412 kg, बी इज 4120 kg, सी इज 41200 kg, और डी इज 412000 kg। ओके तो अब देखो इसमें क्या है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस दे रखे हैं, मीन्स क्या WSM मेथड हम यूज़ करेंगे। ओके किसके परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हमें दे रखे हैं, स्टील और कंक्रीट के, मीन्स WSM मेथड हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा वो कि LSM मेथड यूज़ करना है या WSM, वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पता करना होता है कि वो पूछ कौन सा मेथड रहा है। ओके अगर LSM पूछता तो हम पी निकाल सकते थे 0.4 FCK और AC उस फॉर्मूले से, बट यहाँ पे क्या पूछा है WSM से, तो WSM में हम क्या करते हैं, सिग्मा CC AC प्लस सिग्मा SC ASC। ओके वेयर सिग्मा CC इज डायरेक्ट बेंडिंग, डायरेक्ट बेंडिंग कंप्रेशन, ओके इन कंक्रीट। तो ये हमें दे रखा है कितना, कंक्रीट का हमें दे रखा है 40 × एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकलेगा, हमें ग्रॉस एरिया दे रखा है, दैट इज 20 × 20 इज 400। ग्रॉस एरिया माइनस कर दूं अगर मैं स्टील का एरिया, तो मेरे पास ये तो कंक्रीट का आ जाएगा, कि कंक्रीट हमारा सिर्फ कंक्रीट होता तो इतना लोड लेता, बट यहाँ पे क्या है स्टील भी है, स्टील कितना लेगी, हमें दे रखा है 1300 स्टील का दे रखा है, इंटू एरिया ऑफ स्टील भी दे रखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 4120000 kg। ओके 4120000 kg, दैट इज सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके 65 क्या पूछ रहा है, बॉन्ड इन अ ब्रिक मशीनरी कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, बहुत इजी क्वेश्चन, ए इंग्लिश बॉन्ड। ओके 66, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन, ये भी 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है SSCJEE का, SSCJEE और वेरियस एग्जाम्स में, A 2 to 2.5%, B 2.5 to 3, C 3 to 3.5, D 3.5 to 4। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाई करती है 2 to 2.6, बट नियरेस्ट ऑप्शन क्या है 2.5, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 67th, पार्टीशन वॉल मे बी ए फोल्डिंग, बी कोलेप्सिबल, सी फिक्स्ड, डी एनी ऑफ दिस, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है डी, किसी भी टाइप की हो सकती है इसमें से। 68, अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 day टू दैट ऑफ 28 day इज, तो हम जानते हैं 7 day स्ट्रेंथ जो होती है वो 2/3 होती है किसकी, 28 days की स्ट्रेंथ के, तो 2/3 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आता है 6.6 something, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा नियरेस्ट, 0.6% ऑफ 28 days स्ट्रेंथ।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट ए टू प्रिवेंट क्रैक्स बी टू हेल्प C2S एंड C3S सी टू गिव यूनिफॉर्म टेक्सचर और डी टू काउंट्रैक्ट C3A. ओके हम जानते हैं जिप्सम का रोल क्या होता है. इट एक्ट एज ए रिटार्डर. ओके रिटार्डर मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा. मींस फ्लैश सेट नहीं होने देगा. ओके फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा बॉक कंपाउंड होता है, C3A. ओके तो इसका डायरेक्टली ना देके उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा है क्या कि जिप्सम को किस लिए हम यूज़ करते हैं. तो इसको हम काउंट्रैक्ट करते हैं C3A से, ठीक है, ताकि हमारा जल्दी सेट ना हो पाए. इट एक्ट एज अ रिटार्डर. 70th प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन मिक्सिंग वाटर फॉर कंक्रीट ए प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फिनिश बी प्रोवाइड्स मोर स्लम्प सी इम्प्रूव स्ट्रेंथ डी रिड्यूस स्ट्रेंथ. ओके तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिड्यूस स्ट्रेंथ. तो ऑयल हमारा बेसिकली क्या करता है कि अगर हम ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल हम जानते हैं इमिसिबल लिक्विड है, ठीक है, मिक्स नहीं हो सकता वाटर के साथ. वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा तो क्या करेगा, वाटर जब एवेपोरेट करेगा तो अल्टीमेटली वो वॉइड्स रह जाएंगे वहाँ पे, ठीक है. वॉइड्स की वजह से क्या होगा, वहाँ पे सेग्रीगेशन हो सकता है, ठीक है, अगर वाटर सही से मिलेगा नहीं तो, ठीक है. और स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी. इसका बेस्ट एग्जांपल है अगर हम स्कैफोल्डिंग यूज़ करते हैं तो उसमें भी ऑयल यूज़ करते हैं तो कभी भी देखोगे तो नीचे से हनीकॉम स्ट्रक्चर टाइप आपको देखने को मिल सकता है. ओके तो ये थे हमारे कुछ एस जे वीनल जेई के 2018 के टेक्निकल क्वेश्चन. ओके